सोलंकियों का साम्राज्य। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ सोलंकी वंश का साम्राज्य। सोलंकी वंश के सरदारों से भी ध्यान से सुनिएगा। सोलंकियों का साम्राज्य। सोलंकियों का साम्राज्य सर्वप्रथम सोरु गाड़ से प्रारंभ हुआ। सोरु गाड़ से राजजी व वीरजी दोनों भाई अलहनपुर पाठन सिद्धपुर पाठन गुजरात में पहुंचे। उस समय सिद्धपुर पाटन में सूरजी चावड़ा राज करते थे। उन्होंने अपनी सुपुत्री लीला कंवर का विवाह परमाण द्वारा राजजी से किया। फलस्वरूप एक पुत्र का जन्म हुआ, उसे मूलराजजी नाम दिया गया। मूलराजजी ने अपनी वीरता से अपने मामा चावड़ा वंश का नाश कर अपना राज्य स्थापित किया। तब चावड़ा वंश की माता खेवज को स्वीकार कर विक्रम संवत 1019 में ग्रामदेही जिला बूंदी राजस्थान में श्री खेवज माता जी की स्थापना कर मंदिर का निर्माण करवाया तथा संवत 1020 में मंदिर के पास बावड़ी का निर्माण करवाया। बावड़ी का निर्माण करवा कर समस्त सोलंकी सरदारों को सूचित किया, आज से सभी सोलंकी माता खेवज की पूजा कर अपनी कुलदेवी मानेंगे। मूलराज जी ने निम्न विधि विधान से पूजा की। खाकरा छोला का पाटा लापसी चावल वे गेवरो सवाया की सोलह पिंडिया बनाकर दो। धूप कलशों में अग्नि पर प्रथम धूप कलश में माता बिवज पुत्र दुसल जी महाराज तथा दूसरे कलश में माता खेवज पुत्र महपाल जी महाराज को भोग लगाए। इस स्थापित मंदिर को सोवा हेतु 5 गांव गुजरात से निकाले। इसके बाद विक्रम संवत 1152 में सिद्धराज जी द्वारा मंदिर का विस्तार करवाया तथा सेवा हेतु पचवारा देश के 50 गांव भेंट किए। विक्रम संवत 1340 में टोडा के महाराज धीराज जी श्री गोविंदराज जी द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार करवाकर मंदिर के चारों ओर परकोटा व रसोई घर बनवाया। जय हो खेवज माता जी की जय हो। तथा राजघराने से 16 कंवरानियों के सहित महाराज धीराज द्वारा देवी खेवज माता की पूजा प्रतिष्ठा करवाई और मातेश्री खेवज की पूजा हेतु 2500 बीघा जमीन देही गांव ग्राम में निकालकर इस भूमि के खाकरे छोले के पौधे लगवाए तथा महाराज धीराज द्वारा मातेश्री की नगरी में दुहाई फिकाई की। इस भूमि की लकड़ी संत सेवा एवं दाह संस्कार के लिए काम में ली जाएगी। बोलिए श्री खेवज माता जी की जय हो। तो ये सोलंकी वंश का साम्राज्य इस प्रकार स्थापित हुआ। इस प्रकार हमारे कुलदेवी मंदिर का निर्माण हुआ। तो सभी सोलंकी सरदारों से विनती है कि आप अब भी दही गांव में जाकर अपनी सोलंकी खेवज माता जी की पूजा जरूर करें। ये अपनी कुलदेवी है खेवज माता श्री, इसकी पूजा करोगे तो वो आपको अन्नधन लक्ष्मी का भंडार भरेगी। मैं सभी से हाथ जोड़ता हूँ सोलंकी सरदारों से कि आप जब अपना मन करे, जब अपना दिमाग में बैठ जाए कि माता जी के जाना है अपनी कुलदेवी के, तभी भी निकल से किसी भी वक्त निकल सकते हो। दही गांव में विराजमान है, बूंदी से 50-60 किलोमीटर दूर है। दही गांव में अपनी खेवज माता जी का मंदिर है, आप सभी वहां पधार कर उनकी पूजा अर्चना आराधना करें। जय हो सा श्री। बोलिए श्री खेवज माता जी की जय हो।